नमस्कार दोस्तों, दुलारी की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम एक खांसी जुकाम और मौसम के तब्दीली के टाइम पे, मौसम बदल रहा है, सुबह और शाम को ठंडक होती है, सारे दिन में खूब धूप तेज धूप होती है और गर्म मौसम होता है, तो उसमें आदमी बीमार पड़ जाते हैं। तो आज हम तीन चीज़ों को लेकर एक चूर्ण बनाएंगे। तो हमने ये तीनों चीज़ें ले ली हैं। एक 100 ग्राम हमने लिया मिश्री, ये धागे वाली मिश्री होती है, और इसका हमने चूर्ण बना लिया है, इसको पीस लिया है, पाउडर बना लिया इसका। और 50 ग्राम हमने लिया ये बादाम, ये छोटे वाले देसी बादाम होते हैं, तो ये लेने चाहिए। और 25 ग्राम हमने ये काली मिर्च ली है। तो इनको अब इनका चूर्ण बना, इसको पीसेंगे, मिश्री हमने पीस लिया और इनको मिक्स कर लेंगे। तो चलते हैं और जाके इनको ग्राइंड करते हैं। दोस्तों, हमने तीनों चीज़ों को, बादाम, काली मिर्च और मिश्री, तीनों चीज़ों को दोबारा से, मिश्री पहले ही पीस कर रखी थी हमने, फिर दोबारा उसको मिक्स कर दिया, तीनों चीज़ों को ग्राइंड कर लिया। अब इनको आटे छानने वाली छन्नी में छानेंगे। ये चूर्ण बन गया। चम्मच ला रही है, अब रखिए क्या ब्रैकेट से। तो इसको छान लेंगे और इसमें जो मोटा मोटा निकलेगा उसको फिर दोबारा से छोटे उसमें, जो मिर्चें साबुत रहेगी हैं उसको दोबारा से ग्राइंड कर लेंगे, अगर कोई इसमें थोड़ा बहुत बिना कुटा रह गया तो। तो दोस्तों, ये सारा हमने छान लिया चूर्ण, तो बाकी ये मोटा मोटा रह गया, इसको दोबारा से पीस लेंगे। और आपने खुराक कितनी लेनी है, एक चम्मच चूर्ण पूरा फुल रात को सोने से पहले 250 ग्राम दूध के साथ ये एक चम्मच चूर्ण खाना है। कैसी भी खांसी हो, ढीठ गिल्ली सूखी, आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जुकाम, खांसी, सर दर्द, ये कई चीज़ों में फ़ायदा करेगा और खुश्की दूर करता है ये। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए।